मैं आपका दोस्त हारून और आप देख रहे हैं देसी मिर्च इंडिया। दोस्तों अभी इस वक्त हम हैं बोरिंग रोड पे, और बोरिंग रोड की एक फेमस जगह है जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फेमस रोल है इनका ब्लू मून का। तो आइए हम इनका रोल ट्राई करेंगे और आपको दिखाते हैं इनका मेकिंग भी, और फिर बताते हैं टेस्ट करके कि वाकई इसके रोल में ऐसी क्या ख़ास बात है कि लोग काफ़ी भीड़ यहाँ पे लगा होता है, लेकिन आज थोड़ी सी भीड़ कम लग रही है क्योंकि आज अभी ये महीना सावन का चल रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा भीड़ कम। तो आइए इसका मेकिंग दिखाते हैं और फिर टेस्ट करके हम आपको बताते हैं कि रोल कैसा है। ये इनका रेट लिस्ट है, देख सकते हैं। ये सिंगल एग रोल जो है वो 30 का है, डबल एग 40 का है, और चिकन रोल 45, और चिकन और अंडे के साथ वो 55 का है। 65 रुपये का डबल अंडे का चिकन रोल है, फिर चिकन का है डबल 90 रुपये का है, वो है डबल चिकन डबल एग रोल, और साथ ही है 90 रुपये का और एक रोल है चिकन चीज़ एग रोल, और साथ ही इनका चाइनीज़ भी है, चिल्ली पनीर वगैरह है, चिकन चिल्ली पराठा, और ये सारा जो है इनके पास जो है अवेलेबल है। ये सारा रेट लिस्ट है उनका, चिकन चिल्ली बोन है, बोनलेस है, लॉलीपॉप वगैरह है, सारे रेट लिस्ट है, देख सकते हैं। ये देखिए साथ में यहाँ पर जो है ये पराठा जो है रोल के लिए बनाया जा रहा है, पराठा तो नहीं कहेंगे इसे, इसे रोटी कह सकते हैं, डबल रोटी है, दो तरह की। मुझे लगा कि पहले ये लच्छा पराठा होगा, लेकिन ये लच्छा पराठा नहीं है, ये देख सकते हैं ये डबल रोटी है, और एक साइड से ये पक गया, दूसरी साइड फिर ये देखिए दूसरी साइड ये पकाएंगे, और फिर बीच में इसको एक एक करके अलग करके फिर रखते हैं। ये देखिए उधर रोल बन रहा है, पनीर रोल बनाया जा रहा है, कच्चा प्याज लच्छा कच्चा प्याज है, और फिर उसके ऊपर पनीर सौते करके रखा था वो उन्होंने डाला, फिर चाट मसाला नमक चाट मसाला डाला जा रहा है, फिर ये हल्का सा सॉल्ट डाला जा रहा है, और ये देखिए इस तरह से जो है इन लोग रोल बनाते हैं, और साथ ही इसके ऊपर लगता है सॉस डालेंगे। ये देखिए ये सॉस वगैरह भी, ये टोमेटो केचप डाला जा रहा है सॉस, और चिल्ली सॉस टोमेटो सॉस, और फिर ये देखिए इनका रोल, इसी तरह से ये रोल बनाते हैं, और बहुत ही फेमस इनका है पटना का, ये बहुत ही फेमस ब्लू मून का रोल है, और बहुत पुरानी दुकान भी है। ये देखिए ये रोल बनकर तैयार हो गया, और इधर चपाती जो है डबल रोटी तैयार हो रही है रोल के लिए। ये इसका मैदे का जो है बेस होता है, इसके अंदर दूध चीनी नमक अंडा वगैरह भी डाला जाता है, तो ये इसका बेस तैयार करके रख लेते हैं ये पहले से मैदा जो है, और इस तरह से जो रोटी सेक करके पहले रख लेते हैं। ये अगर लच्छा पराठा होता तो और अच्छा लगता, खास्ता भी होता, खाने में और मज़ा आता। ये देखिए रोल जो है ये पैकिंग के लिए रोल जा रहा है, और हम लोग का रोल अभी तैयार हो रहा है, बन रहा है। हमने एक चिकन रोल का ऑर्डर किया है और एक एग रोल का, दोनों रोल हम टेस्ट करेंगे ट्राई करेंगे, और फिर आपको बताते हैं कि कैसा है इनका रोल। सावन, ये हमारा रोल अब बनकर आ चुका है, सावन का महीना चल रहा था इसीलिए भीड़ वगैरह कम था। ये हमारा एक चिकन है और एक अंडे का है, तो आइए हम टेस्ट करते हैं और बताते हैं। रोल जो हमने खाया रोल उतना अच्छा नहीं है, नाम सुना था बहुत इनका, लेकिन आप देख सकते हैं देखिए सिर्फ चपाती की तरह है, जब किसी के लच्छा पराठा होता तो मज़ा आता, तो रोटी की तरह बना दिया, उतना अच्छा नहीं है। पता नहीं लोग क्यों ब्लू मून के पीछे पागल हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।